तारीख, और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिला। जी हाँ दोस्तों, जो डिसीजन होना था एक महीने पहले उसी शिफ्ट करा था लास्ट वीक, और लास्ट वीक से 22, 23 और अब 25 डेट बोल रहे हैं कि 25 को डिसाइड होगा। देखिए हमें भी नहीं पता क्या होने वाला है। अब जो डिसीजन सामने आ रहा है मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ आज की। द फाइनल डिसीजन ऑन CBSE पेंडिंग एग्जाम इज एडजर्ड टू 25th ऑफ जून। JEE मेन एंड नीट इज लाइकली टू बी पोस्टपोन्डेड फर्दर। इस तरह की बातें करी जा रही है। देखिए इसमें क्या हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट हैज़ एडजर्ड द हियरिंग ऑफ द डिसीजन फॉर द पेंडिंग बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th एंड 12th टू जून 25। तो 25 जून को अब डिसीजन होने वाला है 10th 12th के साथ ही JEE मेंस के जितने भी एग्जाम हैं। देखिए ऑन द अदर हैंड हंड्रेड्स ऑफ एस्पायरेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्टूडेंट्स आर अपीलिंग टू द गवर्नमेंट टू पोस्टपोन द एग्जामिनेशन ड्यू टू कोरोना वायरस कंडीशन। अब देखिए इसमें कि मल्टीपल रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स टू द गवर्नमेंट टू पोस्टपोन द टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एज पर द कोरोना वायरस सिचुएशन। अब देखिए इसके रिगार्डिंग जो फैसला होना था उससे पहले बताया गया था कि जो है जल्दी से जल्दी करेंगे हम, 20 तारीख को करेंगे, 22 तारीख को करेंगे, 23 को करेंगे, अब 25 को बता दिया। अब 25 को भी होना है कि नहीं होना है इसको हम आगे देख लेंगे आने वाले टाइम में। देखिए इसमें जो ऑफिशियल है उन्होंने क्या कहा है, HRD के ऑफिशियल्स ने, फॉर द नीट UG स्कूल्स एंड कॉलेजेस सर्व एज सेंटर एंड देयरफॉर द इनविजिलेटर विल हैव टू बी देयर इन केस ऑफ द इन केस द इंस्टीट्यूशन रिमेन क्लोज्ड द एग्जाम विल हैव टू बी रीशेड्यूल्ड। और इन्होंने कहा है कि अगर स्कूल्स और कॉलेजेस ही बंद रहेंगे तो फिर किस तरह से नीट के सेंटर्स बनेंगे, और इसी तरह की बातें जो है HRD मिनिस्टर के ऑफिशियल्स कर रहे हैं। अब यार ये सिचुएशन देखते हुए हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे लिए एक कविता लिखी थी, इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे कविता बहुत पसंद आई, मैं भी आपको एक कविता सुना देता हूँ क्योंकि हमारे HRD मिनिस्टर तो रोज़ ही हमको एक कविता सुनाते हैं, आज मैं भी आपको एक कविता सुनाऊंगा। देखिए हमारे सब्सक्राइबर है कृष्णा कुमारी वर्जिमना, और इन्होंने इसी बात पे डॉक्टर RP निशांक को बोला था कि कविता सुनाते हैं वो जिस तरह से, तो सर जी मैं भी एक कविता लिखना चाहूँगा। होगा सब कुछ कर कर हम देख चुके, सारे पत्ते खेल चुके, बस हारे हैं हम हारे, अब तो खुद से भी हारे, हार चुके हैं, अब तो पोस्टपोन कर दो सर जी। तो देखिए ये इस तरह की कुछ कविता लिखी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने, और लगता है कि अब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स शायद ही बने पर कवि काफ़ी सारे बनने वाले हैं आने वाले टाइम में। और यार जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपको दूंगा, पर काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रही है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के जो ट्वीट्स है उसे इग्नोर करा जा रहा है। आई होप कि जल्दी से जल्दी डिसीजन लिया जाए।